हमारे देश में संसाधनों के कारण आखिरी छोर के इंसान को हम कुछ नहीं दे पाते हैं। आज भारत सरकार में आने के बाद मैं इस बात से अब सहमत नहीं हूं। हिंदुस्तान के आखिरी छोर के व्यक्ति को भी अगर उसके हक का जो है उसको पहुंचाना है तो देश के पास संसाधनों की कमी नहीं है। जो कमी महसूस होती है वो गुड गवर्नेंस की है, सुशासन की है। जिन जिन राज्यों में गुड गवर्नेंस है, सरकारी मशीनरी निर्धारित समय में टारगेटेड काम को पूरा करने की आदि है, तो वहां पर बदलाव नजर आता है। आप देखिए मनरेगा, अब मनरेगा की एक विशेषता है वो बना है गांव के गरीब लोगों को रोजगारी देने के लिए, लेकिन अनुभव ये आता है कि जिस राज्यों में ज्यादा से ज्यादा गरीबी है वहां पर मनरेगा का काम कम हो रहा है, लेकिन जिन राज्यों में कम गरीबी है लेकिन गुड गवर्नेंस है वहां राज्य प्रोएक्टिव है, ज्यादा से ज्यादा योजना बना देते हैं, ज्यादा लोगों को जोड़ देते हैं और ज्यादा काम कर लेते हैं। और इसलिए ग्रामीण विकास के लिए गुड गवर्नेंस पर बल, ये हमारे सरकार का निरंतर प्रयास है। आज जो दिशा नाम का जो डिजिटल डैशबोर्ड आपके सामने प्रस्तुत किया गया वो एक प्रकार से गुड गवर्नेंस की दिशा का एक अहम कदम है, जिसके कारण सेंट्रली हर चीज को मॉनिटर किया जा सके, समय सीमा में रिव्यू किया जाए, अगर उसमें कमियां हैं तो उसको करेक्ट करने के लिए मेजर लिए जाए, अगर पॉलिसी प्रॉब्लम है तो पॉलिसी करेक्ट किया जाए, अगर पर्सन प्रॉब्लम है तो पर्सन को करेक्ट किया जाए। लेकिन दिशा इस प्रकार का डैशबोर्ड के कारण, एक तो इसके मॉनिटरिंग की पूरी व्यवस्था आप हिंदुस्तान के सभी गांवों के साथ जुड़ेगी, दूसरा भारत सरकार का जो विजन है, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं और हमारा जो पार्लियामेंट का मेंबर है और डिस्ट्रिक्ट की इकाई है, ये सभी अगर विकास को एक सूत्र में करेंगे, प्रायोरिटी समान होगी तो हमें इच्छित परिणाम जरूर मिलेगा। और इसलिए इस दिशा के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को सक्रिय रूप से जोड़ने का एक अहम काम भारत सरकार ने किया है इस दिशा के द्वारा। पार्लियामेंट का मेंबर जिला इकाई के साथ बैठ करके इन सारी योजनाओं का रिव्यू करता है, प्रायोरिटी वहां की आवश्यकता के अनुसार तय करता है, चीजें यहां से थोपी नहीं जाती है, और इसी के कारण कार्य में गति लाने की दिशा में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है।